हेलो गाइस, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जे आर हिस्ट्री मेकर फिर से स्वागत है। सभी को पहले बड़ों को प्रणाम। सब कैसे होंगे? सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, एक ऐसी लोकेशन मुझे मिल चुकी है। इंस्टाग्राम पर मुझे बताया गया है कि यहाँ पर एक पूरा परिवार रहता था। एक छोटी बच्ची खेलती खेलती इस कुएं के अंदर वो गिर गई, तो आज भी वो यहाँ पर भटकती है। तो कैमरा मैन भाई, आप थोड़ा इस कुएं को दिखाओ। गाइस, ये कुआ है, इसी के अंदर वो गिर के मर चुकी थी, आज भी वो यहाँ पर भटकती है। यहाँ पर है आप बेटा, यहाँ पर हो, मुझे एहसास दिला सकते हो? और गाइस, इसी लोकेशन पर बहुत लोग आके वीडियो बना के गए हैं, उनको वो चीज़ दिखाई भी दी है। मैं भी रात को 12:30 बजे आया हूँ। तो गाइस, एक और चीज़ है यहाँ पर, उन्होंने आवाज़ आई है, मतलब इसका मतलब यहीं पर है, दिखी है। तो ये मंदिर है। तो गाइस, इन्होंने यहाँ पर मंदिर बनाया था, यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो किसी तरह की भी। तो अभी तक मुझे ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दी है। तो मैं कैमरामैन को कह रहा हूँ पूरी लोकेशन आप कवर करा दें। एक इस साइड में भी लोग लग रहा है। ये देखो गाइस, चूल्हे हैं। अभी तक आप सोच सकते हो कितना टाइम हो गया इन परिवार को छोड़ के चले जाने को। मतलब ये वो छोटी बच्ची खेलती खेलती गिर गई, तो आज वो यहाँ पर भटकती है और रातों को आवाजें आती है और वो चीज़ यहाँ पर दिखाई भी देती है। रात को मैं क्या टाइम आया हूँ, 1:00 बज रही है गाइस, 1:00। ये वो लोकेशन सबसे खतरनाक है। तो कैमरामैन भाई, थोड़ा आप इधर भी आ जाओ। आप ये देख सकते हो यहाँ पर दो मंदिर बना रखे हैं, एक तो पीरों का, एक रामदेव जी का है। और यहाँ पर जो भी चीज होती है वो यहाँ पर कुछ ऐसी खतरनाक चीज है, जब भी वो चीज यहाँ पर प्रवेश ना कर पाए। मतलब यहाँ पर बहुत कुछ एक्टिविटी भी होती है और वो चीज यहाँ पर लोगों को दिखाई भी देती है। तो आज मैं खुद आया हूँ यहाँ पर देखने के लिए सच में ऐसा कुछ है या लोगों ने अफवाह बना रखी है। आजकल बहुत YouTube पर इतना गंद मचा रखा है लोगों ने, जो होता नहीं वो लोग दिखाते हैं। जो रियलिटी होती है गाइज, वो चीज़ कभी कैमरे में कैप्चर होती है, आंखों के सामने वो चीज़ दिखाई नहीं देती। तो गाइज, मैं इस लोकेशन पर आया हूँ, अभी तक मुझे ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर दिखाई नहीं दी है। तो मेरा कैमरामैन आज दूसरा भाई है, तो आज गाइज आपके सामने है, मैं और कैमरामैन और हमारे साथ कोई भी नहीं है। और आप ताला दे लो, कैसे मूव हो रहा है ना इसके, कोई हमने, आप सोच रहे हो कई यूट्यूबर पर होते हैं इसके रस्सी मार रहे ताले खोल जाते हैं, बट इस ताले पर कोई रस्सी नहीं मारी हुई, ताला ऐसे ही पड़ा है। तो आप देख सकते हो ताला कैसा मूव हो रहा था। अब मैं ताले को ऐसे कर देता हूँ। गाइज, हमारे साथ में कोई नहीं है, मैं कैमरामैन को कहता हूँ आप चारों ओर एक बार चेक करवा लो, ऑडियंस को पता चलना चाहिए हमारे साथ कोई भी नहीं है। ये देख लो, अभी भी ताला वैसे के वैसे मैं रख के आया था, अब कैसे मूव हो रहा है। तो कैमरामैन अपने ऊपर करके आते हैं, एक ऊपर से भी व्यू दिखाते हैं। गाइस, कोई भी मुझे एहसास हुआ यहाँ पर कोई चीज़ वाइट शेडो थी, अभी कुछ चीज़ थी यहाँ पर मुझे जो चीज़ दिखाई दी थी, मतलब वो चीज़ यहाँ पर है बट वो चीज़ क्लियर मेरे को दिखाई नहीं दी। मेरे को हल्का सा एहसास हुआ और हल्की सी वाइट शेडो थी, हल्की सी, एकदम गायब होना आंखों के सामने से। और आप लाइट की रोशनी इतनी तेज है और यहाँ पर अभी तक मुझे वो चीज़
कैमरे में वो चीज कैप्चर हुई है नहीं हुई पता नहीं, घर जाके रेटिंग करके देखूंगा फिर मुझे पता चलेगा यहाँ पर वो चीज थी। तो गाइज कई बार बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ अपने बच्चों की ध्यान रखा करो कहीं भी जाए। कौन है? कौन है? कौन है? नीचे से आवाज आई है। आजकल बच्चों की रैकिंग बहुत ज्यादा हो रही है, आप उनको भी थोड़ा बच्चों को कंट्रोल रखा करो, घर में ही बच्चों को खिलाया करो, बाहर मत खिलाया करो। आजकल बहुत ज्यादा बच्चों की रैकिंग कर रहे हैं और आजकल मेरे पास कई बच्चों के और मेरे दोस्तों के मतलब भी बच्चे रैकिंग हो चुके हैं, मतलब कम्प्लेट कर लिए लोगों ने और फरौती मामला बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। तो प्लीज़ अपने बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखें और अपनी सेफ्टी बनाए रखें। गाइस ये कुआं मेरे को लगता है लगभग 100 फीट गहरा होगा और इसके अंदर से भी मतलब भी कोई अंदर से आवाज आई है, अंदर से आवाज आई है, मेरे को लगता है कोई अंदर है। तो गाइज मेरे को अभी तक इस लोकेशन पर आए को बहुत टाइम हो चुका है और अभी तक मुझे वो चीज़ कैप्चर नहीं हो पाई अच्छी तरह, और ना मुझे वो चीज़ दिखाई दी। और मेरा कैमरा मैन को पूरी तरह का, भाई आपको कुछ कुछ चीज़ दिखाई दी है? नहीं मेरे कुछ नहीं, अभी तक कैमरा मैन को कोई चीज़ दिखाई नहीं दी है और हमें भी कुछ ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दी है। तो गाइज मैं एक बार इसकी पूरी लोकेशन एक बार और दिखा दो आप। गाइज कोई भी आना चाहते हैं इस लोकेशन को, मैं कमेंट में इसका लोकेशन डाल दूंगा, आप आके विजिट करना फिर आपको पता चलेगा इस लोकेशन पर क्या क्या है। तो गाइज इस लोकेशन पर